साइकोलॉजिकल टिप्स, मनोवैज्ञानिक टिप्स। अक्सर व्यूवर सब्सक्राइबर मुझसे पूछते हैं, सर कोई साइकोलॉजिकल टिप्स बताएं, कुछ मनोवैज्ञानिक टिप्स बताएं जिससे मानसिक रोगों को हम खुद हल कर पाएं, कुछ हद तक उससे निपट पाएं। तो आज के इस वीडियो में एक टिप्स बताने वाला हूं, वो टिप्स है नो एक्शन नो अटेंशन। नो एक्शन नो अटेंशन, स्टॉप एक्शन स्टॉप अटेंशन, स्टॉप एक्शन स्टॉप अटेंशन। क्या है नो एक्शन नो अटेंशन, आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। हेलो नमस्कार, मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरी आज के इस अद्भुत साइको एजुकेशनल वीडियो में आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ऑनलाइन काउंसलिंग साइकोथेरेपी मानसिक रोगियों के लिए एक नई उम्मीद एक नई आशा की किरण लेकर के आई है, और ऑनलाइन काउंसलिंग साइकोथेरेपी मानसिक परेशानियों से जूझ रहे पर्सन के लिए एक नई उम्मीद एक नई आशा की किरण बनकर आई है, और इसके द्वारा इलाज आसान और सस्ता होता जा रहा है। आज का वीडियो मेंटल हेल्थ के तहत आप तक पहुंच रहा है। आज के इस वीडियो में टिप्स जानने वाले हैं, और वो टिप्स है नो अटेंशन नो एक्शन। मन में विचार आते हैं, बार बार विचार आते हैं, बहुत प्रकार के विचार आते हैं। डेली एक इंसान के मन में 55,000 से 60,000 विचार आते हैं, और लगभग विचार रिपीटिंग होते हैं या नेगेटिव होते हैं। तो जो विचार मन में आता है उस विचार के ऊपर अटेंशन ना दिया जाए, स्टॉप अटेंशन। मतलब जो रोग वाला विचार है, जो ओसीडी वाला विचार है, गंदगी वाला, कुछ बुरा हो जाएगा, फ्यूचर से रिलेटेड विचार है, कुछ खतरा उत्पन्न करता है जो विचार, उसके ऊपर अटेंशन ना दिया जाए। क्योंकि अगर उसके ऊपर अटेंशन दिया तो वो विचार रोग बन जाएगा। तो उस विचार के ऊपर अटेंशन देना नहीं है, स्टॉप अटेंशन कर देना है, उस विचार को बाईपास कर देना है। जैसे विचार आया चला गया, ऐसा छोड़ दें, उसको खुला छोड़ दें, रोके नहीं उस विचार को। मैं थॉट स्टॉपिंग की आज बात नहीं कर रहा हूं, आज विचार रोकने की बात नहीं है, नो अटेंशन की बात है। उस विचार को नहीं रोकना, अटेंशन नहीं देनी, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, उस विचार को पकड़ना नहीं है, उस विचार को एंटरटेन नहीं करना, उस विचार के साथ बातें करनी नहीं है। अटेंशन नहीं दिया, वो विचार चला जाएगा, फिर नया आ जाएगा। तो जैसे ही अटेंशन हटेगा, विचार खतरे वाले बाईपास हो जाएंगे। दूसरा, जो एक्टिविटीज बार बार करते हैं, जिन लोगों को बार बार कुछ करना पड़ता है, कुछ बार बार करना पड़ता है, एक्टिविटीज करनी पड़ती है, तो उनके लिए स्टॉप एक्शन है कि वो एक्शन रोक दें। जैसे ही एक्शन रोकेंगे, एक्टिविटीज रोकेंगे, जो बार बार सफाई करते हैं वो हाथ धोना रोकेंगे, जो बार बार नहाते हैं वो घंटों नहाते हैं वो नहाना कम कर देंगे, या जो ताला चेक करते हैं वो ताला नहीं चेक करेंगे, जो बार बार गैस को चेक करते हैं वो बार बार गैस को चेक नहीं करेंगे, पैटर्न के थ्रू करते हैं वो पैटर्न नहीं अपनाएंगे, या जो भगवान के गलत विचार आने के बाद पूजा पाठ हवन या मंत्रों का जाप करते हैं वो मंत्रों का जाप नहीं करेंगे, उस एक्शन को रोकेंगे, तो उस एक्शन के बाद जो एक टेम्परेरी रिलीफ मिलती थी, शांति मिलती थी, कुछ देर के लिए मन में तसल्ली आती थी, हाँ अब ठीक है, अब खतरा नहीं है, अब ओके है, एवरीथिंग ओके, तो वो तसल्ली मिलनी बंद हो जाएगी और एंग्जाइटी बनी रहेगी बार बार बनी रहेगी, क्योंकि एक्शन को रोक दिया। ये सर्कल है ना, सबसे पहले थॉट आया, उसने डर चिंताएं पैदा की, और उस चिंता के बाद एक्शन लिया जाता है, एक्शन लेना पड़ता है, उस चिंता के कारण एक्शन से रिलीफ मिलता है। तो एक्शन नहीं लिया, इस सर्कल को ब्रेक किया, तो वो जो रिलीफ मिलती थी, आनंद मिलता था, वो बंद हो गया, अब चिंता बार बार बनी रहेगी, कुछ समय बाद ये चिंता अपने आप कम हो जाएगी, चिंता कम होगी तो विचार भी चला जाएगा। तो ये प्रोसेस है, ये सर्कल है जो थेरेपी के अंदर पूरा डिस्कस किया जाता है। तो आपको लगता है कि मैं स्टॉप एक्शन कर सकता हूँ, तो एक्टिविटीज रोक दें, पूरी तरह से रोक दें, टोटली बैन। धीरे धीरे करना अच्छा लगता है, धीरे धीरे कर दें, या पूरी तरह से स्टॉप करना अच्छा लगता है, स्टॉप कर दें, क्योंकि स्टॉप करते ही चिंता का लेवल बढ़ जाएगा, एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाएगी, उस एंग्जाइटी को सहन करें, उसको डाइवर्ट करें, उस एंग्जाइटी के लिए कुछ अन्य जो कंस्ट्रक्टिव वे हैं उन कंस्ट्रक्टिव वे में एंग्जाइटी को रिलीज कर दें, उस एंग्जाइटी को रिलीज करें। जैसे गुब्बारा फूल गया है तो उसके अंदर हवा धीरे धीरे निकालते हैं, ऐसे एंजाइटी को किसी और काम में रिलीज कर दें, तो इलाज हो जाता है। ये स्टॉप एक्शन स्टॉप अटेंशन
क्या आप पूरी तरह से समझ पाए? अगर समझ पाए तो वेल एंड गुड, नहीं समझ पाए वेल एंड गुड, आप मुझसे बात कर सकते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग साइकोथेरेपी का सहारा ले सकते हैं, उसमें इसके बारे में और अधिक विस्तार से जान सकते हैं। साइकोथेरेपी वही CDT कोग्नेटिव ड्रिल थेरेपी, CBT कोग्नेटिव बिहेवियर थेरेपी, RFBT माइक्रो एक्सपोजर थेरेपी, ERP थेरेपी OCD के लिए, और श्रीमद् भागवत गीता थेरेपी, और पावर ऑफ नाउ थेरेपी। चूक ना जाना ऑनलाइन, मुझे नो एक्शन नो अटेंशन के बारे में बताना। आप अगर अपनी समस्याएं बताते हैं तो उनका हल निश्चित होता ही है। आप इन वीडियोज के लिए समय निकालते हैं और समय समय पर शेयर करते हैं। इसके लिए मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरिया आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ।